के कैपाडोकिया से आए हैं इस्तांबुल में। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि मेरा कैपाडोकिया का टूर जो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट थी इस्तांबुल में, तुर्की में, ठीक है, तो अब हमारी फ़्लाइट वहाँ की है। तो तकरीबन कोई, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, 3 घंटे के बाद फ़्लाइट है, ठीक है। हम सभी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उसके बाद वहाँ से हमें होटल की ट्रांसपोर्ट जो है हमें पिक करनी आएगी, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं वहाँ पर लैंड कर दूँगा ऑलमोस्ट कोई 9 बजेंगे। फिर पहले जाके हम रेस्ट करेंगे थोड़ा, उसके बाद खाना खाने के लिए जाएंगे, फिर बाकी सुबह हम विज़िट करेंगे, क्योंकि मेरा इस्तांबुल में जो है स्टे ऑलमोस्ट 3 दिन का है। 3 दिन में हम देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है, फिर आपको मिल। मैं लैंड कर चुका हूँ, मुझे होटल की ट्रांसपोर्ट पिक करने आ गई। अब हम होटल की तरफ जाएंगे, वहाँ जाके रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खा के सुबह इस्तांबुल सिटी जो है विज़िट करेंगे। तो मैं होटल से निकल के बाहर चीज़ें मैंने बोला थोड़ा एक्सप्लोर करें सिटी को, तो यहाँ पे एक मुझे मस्जिद नज़र आई है जिसका नाम है तकसीम। तो चलते अंदर, देखते अंदर से कैसी है। तो चलते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है, क्योंकि काफ़ी सुना था इसका और काफ़ी लोगों ने बोला भी कि तकसीम मस्जिद है, वहाँ पे लाजिम जाना। एक इसका सुना था, एक ब्लू मॉस्क का सुना था। तो ये विज़िट करने के बाद हम ब्लू मॉस्क भी जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जूते उतारते हैं, जूते उतारने के बाद अंदर जाते हैं। ये जूते उतार दिए हमने, अब अंदर जाके देखते हैं ये मस्जिद कैसी है। तो ये एक चर्च है अंदर, मैंने बोला चर्च को भी विज़िट कर लेते हैं अंदर से। अब ये पता नहीं है ठीक है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए अंदर के नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने बोला चलो अंदर जाके देखते हैं कि चर्च अंदर से इनका कैसा होता है। तो चलते हैं अंदर। तो ये हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे बोला कि वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन सब लोग वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा मैं भी बनाता हूँ। तो चर्च से बाहर निकलने के बाद मैं यहाँ बाहर निकल आया, मैं बोला और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं कि आसपास क्या है। ये सामने कूड़े वाली गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, शायद मेरे दोस्तों को ढूंढ रही हैं उठाने के लिए उनको। तो चलते हैं आगे, आगे जाके देखते हैं आगे क्या क्या। हमें एक म्यूज़ियम मिला है, ये म्यूज़ियम के अंदर सुना था काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि बंद था। फिर हम आगे आ गए तो आगे एक बाज़ार शुरू हो जाता है, तो हमने कहा चलो बाज़ार को विज़िट करते हैं कि यहाँ पे इनका जो बाज़ार है, मार्केट्स हैं इनकी, किस तरह की होती हैं। तो दिखाता हूँ आपको साथ साथ, ये कुछ एंटीक पीस पड़े हैं यहाँ पे, ये सामने कपड़ों की शॉप्स हैं। तो बाकी आगे चलते हैं, भूख भी लग चुकी है, तो अभी आगे जाके थोड़ा कुछ खाने के लिए भी देखते हैं कि क्या हमने खाना है यहाँ पे, क्या खाना मिलता है, किस तरह का मिलता है,
तो वो भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे आगे करके आया हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं वहाँ से आया हूँ उस साइड से, और यहाँ पे इनकी मेट्रो भी चलती है, तो आप मेट्रो पे भी जाना चाहो आप जा सकते हो। लेकिन ये देखिए इनकी मेट्रो ये ऐसी है यहाँ पे, लेकिन मैं मेट्रो में नहीं गया क्योंकि ये मेट्रो साइड दूसरी साइड पे जा रही थी, मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना था अभी। तो खैर मैं चलता हूँ वहाँ पर, वहाँ जाके कुछ खाते हैं। तो खैर खाना खा के मैं आगे आ चुका हूँ, तो ये सामने सी व्यू है, तो मैंने बोला सी व्यू चलते हैं उसकी ऑपोजिट साइड पे आगे करके, वहाँ पे ब्लू मॉस्क भी है, तो ब्लू मॉस्क का भी विजिट करेंगे हम जाके। तो यार ये व्यू चेक करें आप, व्यू बहुत प्यारा और मौसम भी बहुत प्यारा है अभी यहाँ पे, तो मज़ा आया वॉक करने का साथ साथ। चलते हम आगे तक जाएंगे, आगे जाके देखेंगे चीज़ें और क्या क्या एक्सप्लोर करने वाली यहाँ पे। वो सामने तो ब्लू मॉस्क है, वहाँ पे हम जाएंगे अभी। तो उससे पहले ये ब्रिज काफ़ी फेमस है यहाँ पे, यहाँ पे लोग पिक्चर्स भी ले रहे हैं, वीडियोज भी बना रहे थे, फ़िशिंग भी कर रहे हैं। और ये व्यू चेक करें आप, बहुत प्यारा व्यू है और मौसम बहुत कमाल का है यहाँ पर अभी इस टाइम पर। तो आगे चलते हैं। तो ये व्यू चेक करें आप, और ये सामने जो ब्रिज है यहाँ से चलता हुआ मैं आया हूँ, यहाँ नीचे आके बैठा हूँ, और अभी हम जाएंगे वो सामने ब्लू मॉस्क का, ये वहाँ हम चलते हैं। तो ये मैं अंदर आ चुका हूँ मस्जिद के, तो ये मस्जिद देखते अंदर से कैसे बनी हुई है। तो जो तुर्की आता है वो लाजिम यहाँ पे आता, तो अब चलते हैं अंदर। अंदर जाके ये मस्जिद आपको दिखाता हूँ कि ये मस्जिद जो है अंदर से कैसी है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम शूज़ उतार देंगे, और इस आदमी ने मुझे बोला शूज़ उतार दो, तो शूज़ उतार दिए हमने। अब हम शूज़ उतार के जाते हैं अंदर, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद अंदर से कैसी है। तो मैंने शूज़ अपने हाथ में पकड़ लिए, मैंने बोला अंदर जाके रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अंदर जगह है शूज़ रखने की। तो ये मस्जिद भी काफ़ी बड़ी है, हम अपने शूज़ रखेंगे यहाँ पे साइड पे, भी हमने शूज़ जो है अपने रख दिए यहाँ पे, और बाकी मस्जिद देखते हैं पूरी तरह से। ये आदमी इनको कोई इस्लाम के बारे में कुछ बता रहा था, तो क्योंकि यूरोपियंस बहुत आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और पूछते हैं, तो उनका कोई गाइडर है ये, तो उनको बता रहा है थोड़ा। बाकी ये मस्जिद बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने। तो हम मस्जिद से बाहर निकल आए हैं, और बाहर व्यू जो है बैक साइड से ये इस तरह का व्यू है कुछ, यहाँ पे लोग बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। तो ये ऐसा व्यू है बैक साइड से, ये बैक साइड है मस्जिद की, मैं जहाँ से एंटर हुआ था वो फ्रंट साइड थी। इसके काफ़ी गेट हैं एंट्रेंस के, तो आप कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे ग्रैंड बाज़ार है, इनका बहुत फेमस है, वहाँ ग्रैंड बाज़ार जाके आपको दिखाता हूँ। ओके जी, हम इस्तांबुल में आ चुके हैं, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये भी कुछ जगह है, ठीक है, इसका नाम है आया सूफिया नाम है इसका, ठीक है, और बहुत रौनक है यहाँ पर। ये आया सूफिया जगह है,
और इससे आगे आई थिंक ब्लू मॉस्क आती है, वहाँ जाएंगे अभी हम कुछ टाइम तक। देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, बाइक भी है यहाँ पे, नाइस। तो आज हम ब्लॉग करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। हम लोग कल थे कैपाडोकिया में, आज हम डोमेस्टिक फ्लाइट लेके कैपाडोकिया से आए हैं इस्तांबुल में। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, कैपाडोकिया में कम है थोड़े, वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा आज के दिनों में। तो अच्छी जगह है, देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे एक ग्रैंड बाज़ार है, वहाँ भी जाके आपको दिखाते हैं थोड़ा। तो ग्रैंड बाज़ार में आ चुका हूँ, ये एंटर होते हैं यहाँ से अंदर ग्रैंड बाज़ार के। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। यहाँ पे आप अफोर्ड भी कर सकते हो आराम से, इजीली, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे जो इनका ग्रैंड बाज़ार है। तो बाकी अब देखते हैं और कौन कौन सी शॉप्स हैं यहाँ पे। ये लेफ़्ट पे स्वीट्स की शॉप्स हैं इनकी, और बकलावा इनका बहुत फेमस होता है यहाँ पर। और बाकी आगे चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always